हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आप सबको मेरे चैनल में और एक बार स्वागत है। और मेरे प्यारे सभी सहजी भाई बहनों को हृदय पूर्वक जय श्री माता जी। और यहाँ पर अभी हम सेंटर गए थे, आज संडे है, तो अभी हम अभी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज दिन में जो है ब्लॉग हम नहीं बनाए थे, तो सोचे कि अभी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ बर्तन धोए थे, तो कुछ बर्तन जो है हम सूख गया है, अब इसको जगह पे रख देते हैं। कल जो हम बनाए थे, कल नहीं परसों हम बनाए थे कुसुम का पापा के लिए, मतलब बर्थडे था तो हम बनाए थे नान खटाई। तो यहाँ पे कुछ बर्तन इसी बर्तन में बनाए थे, तो ये सब बर्तन जो है रख देते हैं, अभी जगह पे रख देते हैं। और हम सेंटर गए थे तब तो कुछ बर्तन धो के गए थे और कुछ बर्तन था। और कुसुम का पापा आए कितना बजे? 5 बजे तो हम सेंटर पहुंचे थे, तो तब नहीं आए थे। लेकिन जब हम वापस आए तब आके देखते हैं कि घर आए हैं। तो घर आने के बाद फिर खाना खाए हैं, तो यहाँ पे कुछ बर्तन और है, और फिर चाय भी पिए हैं हम सबको आके। तो अभी यहाँ पे कुछ बर्तन रखा हुआ है, ये सारा बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। और आज जो है दिन में बनाए थे चिकन, तो चिकन है रखा हुआ। और बनाए थे काला वाला जो चना होता है उसका सब्जी बनाए थे, तो राजदीप को हम रोटी के साथ देंगे काला वाला चना का सब्जी, मतलब घुगनी, और हम लोग चिकन और चावल खाएंगे। तो यहाँ पर चलिए अभी बर्तन धो लेते हैं और फिर आप सबसे कुछ ही देर में बात करते हैं। मेरे YouTube फैमिली, आप सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और अभी जो है ये सुबह का वीडियो है, और कल रात को जो है हम बोले थे कि चिकन बनाए थे और फिर चावल हमको बनाना था, तो फिर हम बर्तन धो के फिर हम रात का खाना खा के फिर सो गए थे। ज़्यादा काम नहीं था रात को, और रात को जो है ज़्यादा काम रहता भी नहीं है मेरा। और यहाँ पर देखिए फिर सुबह हुआ, फिर होने के बाद फिर हम यहाँ पर मतलब सबसे पहले उठ के तो गेट पर पानी डाले, फिर कबूतर को दाना डाले, उसके बाद चाय बनाए, चाय पिए, और फिर हम आ गए हैं किचन में। और यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं नाश्ता, और यहाँ पे परवल आलू का सब्जी बना रहे हैं और रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है रोटी देखिए जहाँ पे हम बेलते हैं, बेलन जहाँ पे रख कर हम रोटी को बनाते हैं, स्पेस जो है यहाँ पे थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एक एक करके सारा हम रोटी बना लेंगे। और सब्जी बन रहा है इंडक्शन में, और कुसुम का पापा अभी जो है गार्डन में मतलब बगीचा में, अभी जो है बरसात का टाइम है तो बहुत सारा जो है जंगल हो गया है, पेड़ पौधा जो है थोड़ा 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 नहीं बहुत ज़्यादा सही बढ़ गया है, जंगल टाइप का हो गया है। तो अभी जो है लेबर लाएंगे तो फिर 2 दिन में ही बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जो है बरसात का ही मौसम है, और फिर बरसात होगा तो फिर जो भी लेबर रहेगा उसको खड़े रहना है। तो कुछ कुछ जो है हाथ से खुद ही उठा रहे हैं, साफ कर रहे हैं गार्डन को। और यहाँ पर देखिए हम रोटी भी बना रहे हैं, और सब्जी जो चराए हैं उसको भी हम देख रहे हैं, बीच बीच में जो है चलाते जा रहे हैं ताकि पानी सूख के जल नहीं जाए। और यहाँ पर देखिए अभी मेरा रोटी करीब बन ही गया है, और बाहर जो है कुसुम का पापा गार्डन थोड़ा बहुत जो लंबा लंबा जो जंगली गाछ हो गया है उस सबको जो है काट रहे हैं, थोड़ा सा सफाई कर रहे हैं। फूल भी तोड़ने में डर लगता है, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे जो है गाछ सब पौधा सब बड़ा हो गया है, तो हाथ से ही थोड़ा थोड़ा अगर साफ कर लेंगे तो फूल तोड़ने के लिए जा सकते हैं अंदर। और ऐसे भी अभी
मौसम जो है सावन का महीना है, तो महीना क्या, अभी तो बरसात होता ही है, सावन क्या और भादो ही क्या। अब यहाँ पे देखिए हम सब्जी जो बना रहे थे लगभग बन ही गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मीठा डालेंगे इसमें, मीठा मतलब थोड़ा सा चीनी डालेंगे। तो चीनी हम डाल दिए हैं और यहाँ पे अभी गरम मसाला हम सबसे लास्ट में डालते हैं, और कभी कभार पहले भी डाल देते हैं, लेकिन लास्ट में डालने से गरम मसाला का जो खुशबू है वो अच्छा से सब्जी में आ जाता है। और यहाँ पर जो है मेरा रोटी भी बन गया है, तो अभी जो है हम रोटी भी पैक कर देते हैं और सब्जी भी मतलब बन गया है, लेकिन थोड़ा सा हम जो है फाक करके रखे हैं ताकि जितना भी गरम धुआं है सारा निकल जाए, क्योंकि टिफ़िन में गरम सब्जी देने के बाद फिर ढक्कन लगाएंगे तो फिर ख़राब हो जाने का चांस रह जाता है। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसमें ये टिफ़िन में भी निकाल लेंगे। सब्जी के ऊपर तेजपत्ता सबसे पहले ही दिखता है, और अगर तेजपत्ता अगर पहले हटाएंगे तो बार बार ही जो है डिस्टर्ब करेगा तेजपत्ता, इसलिए तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च जो होता है ये दो चीज़ जो है सब्जी बनने के बाद जल्दी से हटा देना चाहिए, नहीं तो बार बार ही जो है जिसको भी देंगे सब्जी सबसे पहले तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च ही सब्जी में आएगा। और तेजपत्ता जो है खाने का चीज़ नहीं होता है, ये तो बस सब्जी में डाल के इसका फ्लेवर अच्छा है इसलिए दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम तेजपत्ता भी हटा दिए थे, उसके बाद सब्जी डालने हैं। और यहाँ पर जो है अभी हम थोड़ा सा गर्म पानी लिए हैं, इसमें हॉर्लिक्स डाल दिए हैं, और कुसुमा पापा जो है नाश्ता करके नहीं जाते हैं तो एक गिलास कम से कम हम हॉर्लिक्स दे ही देते हैं, और मतलब उनको पसंद नहीं है पीना लेकिन हम ज़बरदस्ती दे देते हैं। और यहाँ पर जो है पनीर में हम थोड़ा सा शुगर फ्री रखा हुआ था, ऐसे तो हम शुगर फ्री अभी मंगाते नहीं हैं, शुगर फ्री अच्छा नहीं होता है, अच्छा है कि ऐसे ही खाए। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरा सारा सब्जी उलट गया, कल संडे था तो कुसुम का पापा लाए थे सब्जी, तो चिकन भी लाए थे, तो बैग में जो है सबसे नीचे जो है हरी मिर्च था, और हमेशा जो है प्लास्टिक में लाते हैं लेकिन इस बार जो है प्लास्टिक में नहीं दिए, दुकानदार ही नहीं दिए, और हमको लगा कि अदरक और मिर्च ये सब नहीं होगा, सिर्फ आलू और प्याज ही होगा, और जो है हम आलू और प्याज को बिना चेक किए ही बैग जो है इसके मतलब जहाँ पे हम रखते हैं आलू प्याज उसी के ऊपर जो है ढाल दिए, तो सारा जो है प्याज और अदरक और आलू सब मिक्स हो गया, और हमको टाइम ही नहीं मिला कि हम उसको अलग करके रखें। उसके बाद फिर जो है कल हम सेंटर भी जाना था, इसी वजह से जो है हम जल्दी जल्दी में सारा काम करके सेंटर चले गए। फिर आने के बाद फिर हम चाय बनाए, फिर बर्तन धोए, फिर रात का खाना बनाए, फिर हम वो काम कर ही नहीं पाए, तो सोचे कि अभी हम कर लेंगे। तो जैसे ही हम उसको मतलब ठीक करने के लिए हाथ लगाए पूरा जो है उलट गया, तो कोई बात नहीं उलट गया है तो अभी थोड़ा सा गंदा भी हो गया था, तो अभी यहाँ पे हम झाड़ू भी लगा लिए हैं, और झाड़ू लगाने के बाद फिर हम चले जाते हैं नहाने के लिए। हम नहाने जाने ही वाले थे लेकिन फिर नहाने नहीं गए, रेडी होके और कुसुम को लेके हम निकल पड़े पापा के पास। पापा से मतलब फ़ोन पे बात होता है लेकिन बहुत दिन हो गया था पापा से नहीं मिले थे, तो सोचे कि जाते हैं मिल के आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था।